प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वाराणसी में काशी विश्वनाथ धाम के नव्य और भव्य स्वरूप का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि यह परिसर केवल भवन मात्र नहीं है, बल्कि भारत की प्राचीन संस्कृति, परंपराओं और मूल्यों का प्रतीक है। यहां आने वाले लोगों को आस्था के दर्शन के साथ अपने अतीत का आभास भी होगा। श्रद्धालु यहां पहुंचते हैं और खुद प्रधानमंत्री मोदी आज जब बाबा तो निश्चित तौर से आपको तमाम पुण्य के लाभ प्राप्त होते हैं और उस लाभ का ही असर मस्तक पर सुशोभित चंद्र जटित मुकुट वाली और उसके बाद देवनदी श्री गंगा तो कादा पतंतिम कनक गिन पूरे अंतिम सुर नगर का अनावरण और श्री काशी विश्वनाथ धाम राष्ट्र को समर्पित। हर हर महादेव, हर हर महादेव। नमः पार्वती पते। हम बाबा विश्वनाथ दरबार से देश दुनिया के उन श्रद्धालु जनन के प्रणाम करत है जो अपने अपने स्थान से इस महायज्ञ के साक्षी बनत हन। हम आप सब काशीवासी लोगन के प्रणाम करत है जिनके सहयोग से इस शुभ घड़ी आयल है। हृदय गदगद है, मन आह्लादित है। आप सब लोगन के बहुत बहुत बधाई हो। हमने शास्त्रों में सुना है जब भी कोई पुण्य अवसर होता है तो सारे तीर्थ, सारी देवीय शक्तियां बनारस में बाबा के पास उपस्थित हो जाती है। कुछ वैसा ही अनुभव आज मुझे बाबा के दरबार में आकर हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि हमारा पूरा चेतन ब्रह्मांड इससे जुड़ा हुआ है। वैसे तो अपनी माया का विस्तार बाबा ही जाने, लेकिन जहां तक हमारी मानवीय दृष्टि जाती है, विश्वनाथ धाम के इस पवित्र आयोजन के इसे समय पर पूरा, इस समय पूरा विश्व जुड़ा हुआ है। साथियों, आज भगवान शिव का प्रिय दिन सोमवार है। आज विक्रम संवत 2078 मार्ग श्री शुक्ल पक्ष दसवीं तिथि एक नया इतिहास रच रही है। और हमारा सौभाग्य है कि हम इस तिथि के साक्षी बन रहे हैं। आज विश्वनाथ धाम अकल्पनीय अनंत ऊर्जा से भरा हुआ, उसका वैभव विस्तार ले रहा है। इसकी विशेषता आसमान छू रही है। यहां आसपास जो अनेक प्राचीन मंदिर लुप्त हो गए थे उन्हें भी पुनः स्थापित किया जा चुका है। बाबा अपने भक्तों की सदियों की सेवा से प्रसन्न हुए हैं, इसलिए उन्होंने आज के दिन का हमें आशीर्वाद दिया है। विश्वनाथ धाम का ये पूरा नया परिसर एक भव्य भवन भर नहीं है, ये प्रतीक है हमारे भारत की सनातन संस्कृति का। ये प्रतीक है हमारी आध्यात्मिक आत्मा का। ये प्रतीक है भारत
भारत की प्राचीनता का, परंपराओं का, भारत की ऊर्जा का, गतिशीलता का। आप यहां जब आएंगे तो केवल आस्था के ही दर्शन होंगे ऐसा नहीं है, आपको यहां अपने अतीत के गौरव का एहसास भी होगा। कैसे प्राचीनता और नवीनता एक साथ सजीव हो रही है, कैसे पुरातन की प्रेरणाएं भविष्य को दिशा दे रही हैं, इसके साक्षात दर्शन विश्वनाथ धाम परिसर में हम कर रहे हैं।